गाइज वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक टेलीग्राम फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं टेलीग्राम पे, अलग अलग बॉट्स को यूज़ करते हैं। तो गाइज काफ़ी सारे मार्केट में बॉट्स हैं, लेकिन एक बॉट बहुत टाइम से जो चला आ रहा है, जो बेस्ट है, वो है गाइज टेलीफीड। तो टेलीफीड वैसे तो पेड प्लान है, लेकिन आज एक मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, आप उसको फ्री में यूज़ कर पाएंगे किसी भी बॉट के साथ, इंटीग्रेशन के साथ। तो आज देखेंगे कि आज हमारे बॉट योर ऑटो एफिलिएट बॉट के साथ इसको कैसे इंटीग्रेट करना है फ्री में, ठीक है। तो फ्री में सारी फॉरवर्डिंग होगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो गाइज सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको एक खाली ग्रुप बना लेना है, ठीक है। तो उस ग्रुप में कौन कौन होगा, उस ग्रुप में आप होंगे और उस बॉट को ऐड कर लेना जो भी बॉट आप यूज़ कर रहे हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो इस बॉट को आप एक्सेस ज़रूर दे दें रीड मैसेज का, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हम इसको एक्सेस दे देते हैं, प्रमोट टू एडमिन हम कर देते हैं इसे, ठीक है। ओके ठीक है, आई थिंक इसको अब एक्सेस मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो वो बॉट रिप्लाई दे रहा है, तो उसका मतलब बॉट को एक्सेस मिल गई है, बॉट ग्रुप के मैसेजेस को रीड कर सकता है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, टेलीफीड से जितने जो भी चैनल से आप फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं वो चैनल से सारे मैसेजेस हम इस ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो एक टेस्ट चैनल मैंने यहाँ पर बना लिया है फ्रॉम नाम से, तो यहाँ पर मैंने फॉरवर्डिंग ऑलरेडी सेट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पर हाई भेजता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप में भी हाई चला जाता है और बॉट भी उस मैसेज को पढ़ के रिप्लाई दे देता है, ठीक है। और अगर आप इसको सोर्स चैनल में डालना चाहते हैं वो तो बॉट ये वाला ऑटोमेटिक कर ही देता है, आपको बस योर ऑटो एफिलिएट की वेबसाइट पे जाके अपनी जो भी चैनल है उसको ऐड करना होता है, वो काम बाकी हो जाता है। मेन काम जो हमारा रहता है वो सोर्स चैनल टू आप जिस चैनल से पोस्ट को कॉपी कर रहे हैं वो फॉरवर्डिंग मेन होती है। तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो है आज की। तो मान लीजिए ये आपका सोर्स चैनल है लाइक ये, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाली पोस्ट आई और ये चैनल है, यहाँ पे ये पोस्ट आई और यहाँ पे ये गई, ये ग्रुप में गई, तो ये बॉट ने यहाँ पे फटाफट से रिप्लाई दे दिया इसको कन्वर्ट करके, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉरवर्डिंग हमने कैसे करा वो चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि हमें खाली ग्रुप बना के करना है। तो आपको टेलीफीड में आ जाना है और यहाँ पर सिंपल सी एक कमांड होती है कनेक्ट करके, ठीक है। कनेक्ट करके जब आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना कंट्री कोड 910 लगा देना और अपना जो भी फ़ोन नंबर है, आप अपना फ़ोन नंबर जब डालोगे तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा और जो टेलीग्राम पे कोड आएगा वो कोड आप ज़रूर डाल देना, ठीक है। तो उसके बाद एक कमांड आपको डालनी है, रीडायरेक्शन एड, और रीडायरेक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रुप 2 यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑन करके यहाँ पे आपको 91 डाल के फिर से अपना जो भी फ़ोन नंबर है यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देना, ठीक है। तो वो उसके बाद आप वहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो अभी के लिए अगर आपको रिडायरेक्शन यहाँ पे चेक करनी है तो हम कर सकते हैं रिडायरेक्शन ऑन, और फिर मैं रीडर ऑन नहीं आएगा, सिर्फ फ़ोन नंबर डालने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी रिडायरेक्शन ऐड है। तो एक नई रिडायरेक्शन को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे रीडायरेक्शन जब आप डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा कि आपको किस तरीके से करना है सारी कमांड। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, ओके, रीडायरेक्शन को डालने से पहले आप एक कमांड ज़रूर डाल लेना, चैट्स ऑन और अपना फ़ोन नंबर, ठीक है। ओके ऑन नहीं आएगा, सिंपल चैट्स और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये सारी चैट की आईडीज़ बता देगा आपको, ये आईडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हमें अपने रीडायरेक्शन में यूज़ करना है। तो उसके बाद हम डालेंगे रीडायरेक्शन ऐड और उसका नाम रख देते हैं ग्रुप 1 मेरा पहले से, तो ग्रुप 2 बना लेंगे, ठीक है। और ग्रुप 2 बनाने के बाद हम कर रहे थे यहाँ से फ्रॉम से, नहीं ये बाद में आएगा। ग्रुप 2 के बाद यहाँ पे हम ऑन डालेंगे और अपना नंबर डालेंगे और ये हो जाएगा। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आप किधर से किधर फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो 1-to-1 के लिए, मतलब एक चैनल से दूसरी चैट में, या दो चैट से एक चैट में, या एक चैट से बहुत सारी चैट्स में, तो अलग अलग ये सिंटेक्सेस हैं। तो हम कॉपी कर लेंगे अपना ये वाला चैनल फ्रॉम वाला और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना टेस्ट वाला ग्रुप, ठीक है। ग्रुप तो वैसे एक ही रहेगा, आप यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स और ऐड कर सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। तो जहाँ पे जब हम इसे डाल देंगे
तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप टू हमारा ऐड हो गया है। अगर हम शो करें रिडायरेक्शन, फोन नंबर आएगा इधर, रिडायरेक्शन आया मैं दिखा लिया इधर सर, देखिए फोन, ओके। तो दो रिडायरेक्शन दिखा रहा है, सेम सेम मैंने रिडायरेक्शन यहाँ पर बना दिया, तो मैंने पहले से एक ऐड कर रखी थी, तो सेम मैंने आपको एक ऐड करके दिखाती कि आपको रिडायरेक्शन कैसे ऐड करनी है। तो गाइस इतना ही करना है और आपकी फॉरवर्डिंग हो जाएगी, देन बॉट जो है आपके मैसेजेस को यहाँ पे रीड कर लेगा। ठीक है, बस सिंपल सी ट्रिक ये थी कि आपको डायरेक्ट बॉट को ना फॉरवर्ड करके एक ग्रुप बना लेना है और बॉट को एक्सेस दे देना है, और फिर वो आप सारे मैसेजेस को रीड करके आपका जो भी वेकअप प्रोसेसिंग है वो कर देगा। इतना सिंपल सा गाइस काम करना है आपको, एंड दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।